अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आप लोग मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे और मेरी फैमिली को आप लोग भी मेरी दुआओं में याद हैं। आज की जो स्टोरी है वो तहज्जुद से रिलेटेड है और मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगी क्या क्या मिरेकल हुआ है और किस तरह चीज़ें हुई हैं उनके साथ। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके वालिदैन जो है वो अभी तक हयात हैं तो उनके लिए इतना ज़्यादा दुआ किया करें कि मतलब आप दुआ करते रहें उनके लिए। अगर उनके लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आपके मुस्तकबिल भी अच्छा करते हैं, क्योंकि माँ बाप ऐसी चीज़ है जो जो ना हो तो कुछ भी नहीं है दुनिया, और वो हो और कुछ ना हो तो सब कुछ है आपके पास। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप के लिए जितना हो सके नरमी से पेश आया करें, चाहे आपको अजीब भी लग रहा हो कि मतलब कभी कभी चिड़चिड़ भी जाते हैं, कभी कभी कोई कुछ बोल भी देते हैं, तो वो लोग भी, आप लोग जैसे बड़े हो रहे हैं वो लोग भी ओल्ड हो रहे हैं। तो इसका हमेशा ख्याल रखिए कि अल्लाह ताला ने माँ बाप का दर्जा जो है वो बहुत ही बुलंद रखा है, तो हमेशा रिस्पेक्ट करिए मम्मी पापा को और हमेशा अपने पेरेंट्स को खुश रखिए और हमेशा सलामती की दुआ करते रहें। अगर कोई होता है कि अगर कोई किसी का बन नहीं रहा है अपने माँ बाप से, तो वो अलहदा हो सकते हैं, अलहदा हो के उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन एक घर में रहकर और फिर ये जैसे न्यूज़ चैनल पे होता है जी लड़ाई हो रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, मत करें, क्योंकि आखिरत बहुत करीब है। और जब माँ बाप पे इंसान चीखता चिल्लाता है तो अल्लाह ताला फिर बहुत अजाब नाजिल होगा, फिर आप कहीं भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये दर्जा ही इतना बुलंद होता है। कहते हैं ना कि माँ बाप के लिए कुर्बान हो जाओ, बेशक हो जाओ, क्योंकि माँ बाप का जो बुलंद दर्जा है वो हम नहीं ले सकते। तो बहरहाल ये बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मुझे बताना था। वेल, आप लोग तो ऑलरेडी जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। एक वीडियो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है, हमारा मोटिव यही है। तो जी स्टार्ट करते हैं मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना सिस्टर, मुझे भी आपसे एक तहज्जुद मिरेकल शेयर करना है। आप भी मेरी स्टोरी शेयर करिएगा अपने चैनल पर प्लीज़ अलीना। आप ही जी मैं शेयर कर रही हूँ सिस्टर। मेरी आपसे बात हुई थी कुछ महीने, आपको बताया था मेरी अम्मी को कैंसर है और मैं उनके लिए बहुत परेशान हूँ, शायद आपको याद होगा। जी सिस्टर, मुझे याद है बिल्कुल। सिस्टर मैंने आपको आपके कहने पर तहज्जुद नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही साथ मैं दुआ भी लंबा करती थी अम्मी के लिए, रो रो कर अल्लाह से कहती थी मेरे अम्मी का ये बीमारी अल्लाह दूर कर दे, कोई मौजज़ा दिखा दे अल्लाह। आप यकीन नहीं करेंगी अलीना, आप ही मैंने अम्मी का टेस्ट करवाया, बहुत हद तक उनकी बीमारी ठीक होने लग गई है। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि बहुत ऐसा उन्होंने कम देखा है अपने लाइफ में कैंसर पेशेंट्स को ठीक होते हुए, और बहुत जल्दी रिकवर कर रही हैं। अलीना आपी, आपकी दुआ का असर है और अल्लाह ने मुझ पर और मेरी अम्मी पर बड़ा ही करम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही थैंक यू मुझको सही रास्ता पर लाने के लिए। अलीना आप ही बहुत शुक्रिया, प्लीज़ अम्मी के लिए मेरे सब दुआ करें। अम्मी का नाम सबा खान है, प्लीज़ आप ही आप सब से बोलें उनके लिए दुआ करें। थैंक यू आप ही, बहुत लंबा हो गया मैसेज, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है आज। थैंक यू, अल्लाह आपको सलामत रखे अलीना आप ही, शुक्रिया हमेशा आपको, आप सबका प्रॉब्लम सुनती हैं और गाइड भी करती हैं, आप एंजल हो। लॉट्स ऑफ दुआ फ्रॉम अम्मी एंड मी, जज़ाकल्लाह आपी।
थैंक यू सो मच सिस्टर, और आपका नाम मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि आपने मुझे मना किया हुआ है जी रिवील करने के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपका ये फीडबैक हमें हमसे शेयर करने के लिए। और अम्मी का नाम है जी सबा खान। आप सबसे दरख्वास्त है, दुआ कीजिए कि आप इनकी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। और माह रमज़ान अब जान ही वाला है, दुआ खूब करें, और वैसे भी दुआ बहुत ज़्यादा इनकी अम्मी के लिए करें कि इनकी अम्मी जल्दी से जल्दी सलामत हो जाएं, ठीक हो जाएं, और अपने जैसे सेहत था उनका वैसे वापस आ जाए इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन जी। सब कोई हम लोग आपकी अम्मी के लिए दुआ कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपने हमारे साथ फीडबैक शेयर किया, दूसरे को भी मोटिवेट कर रही हैं आप, और साथ ही साथ आप ख़ुद भी मोटिवेट हो रही हैं। और तहज्जुद ऐसी नमाज है कि अल्लाह ताला कब कुन कह दे आपको नहीं पता, क्योंकि ये जो नमाज है वो अल्लाह ताला की सबसे सबसे लाडली नमाज है, जो कि नवाफिल है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इस नमाज का बहुत 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 आपको अजर भी देता है, सिला भी देता है, और हर चीज़ इसमें कबूल होती है। क्योंकि अल्लाह ताला नीचे सातवें आसमान से नीचे अर्श पे आता है और बिल्कुल आपके पास में से कहता है कि है कोई मांगने वाला, मैं देने वाला हूँ। तो हम लोग सब सो रहे होते हैं और जो नमाज कज़ा कर देते हैं कि जी तहज्जुद ही तो है, तहज्जुद ही तो है, नहीं, ये तहज्जुद ही है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने अपने जानने वाले की ज़िंदगी में, और जैसे मेरे मेंबर्स हैं उनकी ज़िंदगी में तब्दीली देखी है, चेंजेस देखा है, और इस तरह देखा है कि उन्होंने बोला और अल्लाह ताला ने कुन कह दिया। तो आप इस यकीन से पढ़ें, अल्लाह ताला के सामने रोएं, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी आपका दोस्त नहीं है, और जो कहता है कि जी मैं आपका दोस्त हूँ तो वो दोस्त नहीं है। क्योंकि हम आप तो एक दूसरे के पीठ पीछे कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला या कुछ मांग सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो कभी मांगता भी नहीं है ना कुछ कहता है, वो तो सुनता और करता है। तो क्यों ना हम अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं और अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि अल्लाह राज़ी होगा तो फिर हम सब की मुश्किलें आसान होंगी। और मैं ये बात कहती चलूँ कि आप अगर इंसान आपको हर्ट करता है या कोई ऐसी बात करता है, दरगुजर करना सीखें, ठीक है। अगर आप दरगुजर करना सीख जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला आप पे करम तो करेगा ही करेगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम से वो देखेंगे धीरे 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 ठीक होती जाती है। क्योंकि जब आप अल्लाह के बंदे को माफ़ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर आपको माफ़ करता है। दिल बड़ा करें, माफ़ करें, और कुछ भी आपके साथ ज़्यादती हो जाए बस अल्लाह पे छोड़ दें, फिर अल्लाह ताला जो करना होगा वो करेंगे। आपका काम है जी दुआ करना, सबके लिए दुआ करना, ठीक है। सबके लिए ये भी दुआ कर सकते हैं कि उसको हिदायत दे अल्लाह ताला, इस तरह भी दुआ कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए ख़राब मत बोलिए। दिल को नरम रखिए, दिल जितना नरम होगा आपका उतना अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करेंगे। तो इसी नोट के साथ कि हम हमेशा नरम दिल रखेंगे, एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे, अच्छे में देंगे, और एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे ताकि अल्लाह ताला किसी भी एक आमीन पर कह दे कि जी हो जा और हो जाएगा। तो एक दूसरे के लिए जितना हो सके कमेंट बॉक्स में या कहीं पर भी आप दुआ किया करें, ठीक है। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।